साथियों, वेलकम टू जीएस ऑनलाइन 2.0। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बंगाल की खाड़ी दिखाने वाला हूं। इस वक्त हम हैं आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और वहां पर एक शहर है उंगुल और उसके करीब में है कोठापट्टनम बीच। तो आज हम लोग समंदर के किनारे चलेंगे जो कि बंगाल की खाड़ी आप जानते ही हैं और उसी के किनारे हम लोग चलेंगे और पूरा व्यू आपको दिखाने वाले हैं। ये आप लाल वाला जो देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हैं हम। यहाँ से श्रीलंका करीब है, थाईलैंड है, साउथ कोरिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और ये लाल वाला जो है इस पर हम लोग हैं। काफ़ी अहम होने वाला है आज का ये ब्लॉग और इसमें हम समंदर के पूरे जो नज़ारा है वो आपको हम दिखलाएंगे। अभी हम लोगों ने एक टूरिस्ट जो गाड़ी होती है तूफान गाड़ी, उसको हम लोगों ने किया है और लगभग सारे जीएस ऑनलाइन के और स्टूडेंट ही हैं इसके अंदर, सभी लोग आपको मिलेंगे भी। अब हमारी गाड़ी ये लगने जा रही है और जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए गाड़ी इधर ही लगती है। हम लोग चल रहे हैं समंदर की तरफ और ये आपको जो नज़ारा दिख रहा है समंदर है, ये बगल में बोट है। इस बोट पर सफ़र नहीं किया जाता बल्कि इस पर मछली लोग मारते हैं और असल में यहाँ के लोग किसान नहीं हैं, ये लोगों का मेन खेती जो है वो मछली ही है। लाखों लाख का जाल होता है इनके पास, काफ़ी महंगा महंगा जाल होता है और ये लोग समंदर में, वहाँ देख रहे होंगे बीच समंदर की तरफ, वहाँ पर बोट है और मछली मारते हैं। और ये जो दाई है ये चिनिया बादाम ये सब बेच रही है, मूंगफली जिसे आप बोलते हैं। और आपको समंदर के किनारे में आइसक्रीम वगैरह भी आपको मिल जाएगा। यहाँ का लैंग्वेज जो है वो अलग ही है, दूसरा है तेलुगु है, वो तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी हम लोग इशारतन बात को समझ लेते हैं। अब ये आपको समंदर में जो लहरें उठ रही है वो आप यहाँ से देख पा रहे हैं और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है ये देखिए। अभी हम लोग स्टार्टिंग में आए ही हैं तो अभी तो हम लोग नहीं नहाएंगे, इसके बाद एक दो फोटोशूट होगा, उसके बाद फिर हम लोग अंदर चलेंगे नहाने के लिए। और साथियों मैं बता दूं कि काफ़ी बहुत मज़ा आता है और ये काफ़ी खुशी का लम्हा है जबकि इतने सारे स्टूडेंट और सभी लोग हम लोग एक साथ एक जगह जमा हों और वो भी किसी साहिल के किनारे, तो बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त हमें भी। और आपको एक एक पॉइंट इसमें दिखाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ बता दूं कि समंदर का पानी जो होता है वो बहुत ही खारा होता है और बिल्कुल आप ज़बान में डालिएगा तो बिल्कुल नमक जिसके अंदर घुला हुआ रहता है इस टाइप का होता है। और समंदर के पानी में आप हर चीज़ कर सकते हैं, नहा सकते हैं, लेकिन उस पानी को आप पी नहीं सकते। हम लोगों ने भी पानी को पिया नहीं है, हम लोग सिर्फ नहा रहे हैं लेकिन पानी इतना खारा है, इतना खारा पानी है कि आप इसको पी नहीं सकते, ठीक है। और ये जो बगल में आप देख रहे हैं इसमें जो रेत जिसको बोलते हैं बालू है और ये जो लहरें जब आती हैं तो ये काफ़ी बालू को फिर अंदर लेकर चली जाती है लहरें। और कुछ
बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं सर आपको। समंदर के किनारे आए और यहाँ पर आप मौज मस्ती न करें तो फिर मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि नहाना तो हर जगह है, नहा लेते हैं, अपने बाथरूम में भी हम लोग नहाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मज़ा आता है। अब हम लोग थोड़ा सा नहाने के बाद अब चलते हैं, रेत से खेलेंगे, क्योंकि सारे जो है वो फ्रेंड ही हैं। तो यहाँ पर अब ये काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में, अब वेट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है समंदर के किनारे जब बालू से मैं खेलता हूँ। तो अब देखिए ये बालू का नज़ारा आपको काफ़ी शानदार लगेगा। सारे लोग जो है बालू से मुझे ढक रहे हैं और ये सब व्यू जो है बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद के आपको भी अच्छा ही लगेगा। जब कभी आप समंदर के किनारे जाएं तो इस तरह करके नहाइए, काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे ये सब बहुत पसंद है और सारे लोग जो है अब बालू से मुझे अंदर ढक रहे हैं, और चूँकि अब बिल्कुल हम लोग समंदर के किनारे में हैं तो एक बार लहरें जो है लहर आकर आप पूरे बालू को फिर लेकर चली जाती है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं। ये देखिए एक उधर भी बैठे हुए हैं और काफ़ी शानदार अच्छा नज़ारा है। अब हम लोग नहाते नहाते थक चुके हैं और शाम होने को भी है। अब चूँकि आज संडे है तो काफ़ी भीड़ भी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देखते हैं, देख रहे हैं कि पुलिस वगैरह भी आई हुई है, और पुलिस जो है वो लोगों को रोक रही है कि आप बहुत अंदर न जाएं नहाने के लिए, वरना कोई घटना घट सकती है। बिल्कुल सही है, हम लोगों ने भी बहुत सावधानीपूर्वक अब हम लोग नहा चुके हैं और समंदर में मौज मस्ती कर चुके हैं। हम लोगों ने भी अपना अपना कपड़ा बदल लिया है, अब हम लोग जाने की तैयारी में हैं। फिर भी जाने का मन नहीं कर रहा समंदर छोड़ के, लेकिन यहाँ पर बस भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, और ये यादें कभी हम भूल नहीं सकते हैं, और ये ऐसी यादें हैं जिसको हम आपके सामने शेयर किए बिना रह भी नहीं सकते। और सारे साथी हम लोग लंच भी कर लिया है, हम लोगों ने लंच अपने साथ रखा था। अब आप देख सकते हैं कि मौसम जो है हल्का हल्का सा सुहाना सुहाना, ठंडा ठंडा शाम हो रही है,
अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम लोग अपने अपने जहाँ पर हम लोगों ने ठहरा था प्रकाशम जिला में, वहाँ पर चले जाएंगे। बिल्कुल अब शाम होने को है और अंधेरा भी हो रहा है और समंदर में जो है ना आवाज़ बहुत ज़्यादा ही होती है। और अब हम लोग अंतिम में कुछ फ़ोटो शूट करेंगे जो आपके सामने शेयर करेंगे। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कभी भूली नहीं जा सकती और बहुत ये ऐसे लम्हात हैं जो कभी हम भूल नहीं सकते और ये हमारे साथियों का प्यार है। ये खुदा करे इसी तरह हम लोगों में प्यार मोहब्बत बनी रहे और हम इसके बाद आपको लेकर चलने वाले हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भी मुझे फरवरी में जाना है तो वहाँ का भी कुछ आपको दिखलाएंगे। अब हम लोग फाइनली तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और वीडियो के।